नौतनवा में नई सुधरी विद्युत व्यवस्था तो नगर की जनता के साथ सड़क पर उतरेंगे चेयरमैन बृजमणि त्रिपाठी। सभासदों के साथ एक्सीएन को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि नौतनवा नगर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में इस भीषण गर्मी में अघोषित विद्युत सप्लाई काटी जा रही है। विद्युत सप्लाई कहीं फॉल्ट हुआ तो लोग बनवाने के लिए परेशान होते हैं। कुछ सभासदों को रात रात भर जग के विद्युत बनवानी पड़ती है। ऐसे में नौतनवा चेयरमैन बृजमणि त्रिपाठी इस पर चिंता जताते हुए नौतनवा विद्युत उपखंड कार्यालय पहुँचे। वहाँ विद्युत एक्सीएन अजय कुमार सिंह से मिले और उनसे निवेदन भी किया कि अंतिम फैसला भी सुना दिया कि सर बिजली की समस्याओं को दूर करने के लिए अब विद्युत कर्मी अलर्ट हो जाएं, अन्य को इसमें परेशान ना होना पड़े, नहीं तो सभासदों और नगर की जनता के साथ सड़क पर उतर जाऊंगा। अध्यक्ष के साथ नगर के तमाम सभासद भी अपने वार्डों की समस्याओं को लेकर चेयरमैन के साथ थे। सभी ने एक आशासी अभियंता को एक ज्ञापन सौंप कर नगर में हो रही अघोषित कटौती खत्म करने की मांग की। इसके साथ ही अध्यक्ष ने कहा कि अगर कहीं विद्युत फॉल्ट हो रहा है तो तत्काल विद्युत व्यवस्था ठीक कराकर सप्लाई चालू कराए, साथ ही बिजली विभाग लाइनमैन को सुरक्षा उपकरण भी मुहैया कराए ताकि किसी प्रकार की खतरे से कोई कर्मी दूर रहे। चेयरमैन ने कहा कि अगर अभी भी विद्युत विभाग उनकी मांगों को अनसुना करता है तो वे सभासदों और नागरिक जनता के साथ सड़क पर उतरने को बाध्य होंगे। उसकी भी सूचना हमको किसी थर्ड पर्सन से मिली है, रास्ते में अरे मंगवाना आपको नहीं है, वो जो कॉन्ट्रेक्टर है उसकी लाइबिलिटी में है, लेकिन जो सेफ्टी बेल्ट लगाने वाला काम है लोग खुद उसको फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि सेफ्टी बेल्ट लगा के बार बार लगाने से इनको काम करने में देर लगती है। तो हालांकि सेफ्टी बेल्ट के लिए हम लोगों ने कई बार स्वयं कहा है कि सेफ्टी बेल्ट लगाएंगे, काम करने में भले थोड़ी देर लगेगी, काम भले थोड़ा देर होगी लेकिन दुर्घटना की संभावना बहुत कम हो जाती है। पहला दूसरा जो एक अर्थिंग चेन आती है कि कहीं पर काम कर रहे हैं उसके पहले उसकी अर्थिंग कर ली जाती है, लेकिन वो जो लीकेज करंट रहती है वो मतलब डायरेक्ट नहीं लगेगी, अर्थ हो जाएगी, वो भी नहीं करते, उसमें भी टाइम लगता है। पहले अर्थिंग चेन बांधेंगे, 10 मिनट उसमें समय लगेगा, 2 मिनट में जम्पर जोड़ना है, तो कुछ लापरवाही इनके भी स्तर से है। आप देख रहे हैं DBS न्यूज़।